भोपाल से खबर, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का एक बयान सामने आया है। इंदौर संख्या 56 की प्रत्याशी का टिकट वापस होगा तो उन्होंने कहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का एक बयान सामने आया है। उन्होंने ये बयान जारी किया है कि इंदौर वार्ड 56 की प्रत्याशी का टिकट कैंसिल होगा, वहीं आपराधिक पृष्ठभूमि मिलने पर टिकट वापस लिया जाएगा। स्वाति काशिद को टिकट दिया गया था लेकिन कुछ मामला सामने आया है जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि अब वो टिकट वापस हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, नहीं, हमने हमारी अपील समिति यहाँ पर है। भगवान दास सबनानी जी है, बंसीलाल गुर्जर जी है, विनोद गोटिया जी कहाँ हैं? विनोद गोटिया जी हमारे तीनों वरिष्ठ नेता अपील समिति के अंदर कल से लगातार परसों से बैठ करके इस बात का पूरा काम कर रहे हैं। कहीं कोई अगर इस प्रकार की चीज आती है तो उसको विधिवत तरीके से प्रोसेस में लेकर के उसका समाधान निकालने का काम वो कर रहे हैं। तो टिकट जो है वो कैंसिल किया जाएगा और उन्होंने ये कहा है कि आपराधिक पृष्ठभूमि मिली है जिसकी वजह से टिकट जो है वो कैंसिल किया गया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है टिकट कैंसिल होगा, माफ़ कीजिए, इंदौर वार्ड क्रमांक 56 की जो प्रत्याशी हैं उनका टिकट जो है वो कैंसिल किया जाएगा। स्वाति काशिद को टिकट भी दिया गया था लेकिन कुछ मामला सामने आया जिसकी वजह से ऐलान किया कि बीजेपी में इस पूरे मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति है और इसकी वजह से टिकट को कैंसिल किया जाना है। वहीं बीजेपी में टिकट को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। टिकट कटने से नाराज केवल मिश्रा समर्थकों का विरोध देखने को मिला। प्रज्ञा सिंह ठाकुर के निवास पहुंचे केवल मिश्रा समर्थक के साथ पहुंचे हैं। वहीं भारी शख्स को टिकट देने से नाराज हैं समर्थक, उन्होंने धरना भी दिया, टिकट नहीं दिया तो सामूहिक इस्तीफा देंगे। कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा गया है कि टिकट नहीं दिया गया तो सामूहिक इस्तीफा देंगे। टिकट ना देने की वजह से अब बीजेपी में नाराजगी का जो दौर है वो चल रहा है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज हो रहे हैं। टिकट कटने से नाराज केवल मिश्रा समर्थकों का विरोध देखने को मिला। शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, जैसे जैसे टिकट जारी किए जा रहे हैं, प्रत्याशियों के नाम जैसे जैसे सामने आने शुरू हो गए हैं, वैसे वैसे अब नाराजगी बीजेपी में देखने को मिली है, एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने खड़ी हो गई है। बिल्कुल अंजलि, भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में बीजेपी ने इसी कारण से अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है, सिर्फ संभावित प्रत्याशियों का ऐलान किया गया और सिर्फ ये कह सकते हैं कि उससे पहले ही बीजेपी के अंदर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है, क्योंकि कई नेताओं के समर्थकों ने ये बता दिया गया है, समर्थकों को बता दिया गया है कि आपका टिकट नहीं हो रहा और उसी से नाराज होकर इस वक्त केवल मिश्रा के जो समर्थक हैं वो भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बंगले पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप बाहरी प्रत्याशी को ना भेजें हमारे वार्ड में, नहीं तो हम सामूहिक इस्तीफा दे देंगे और इसके कारण पार्टी को हार का सामना भी करना पड़ेगा। केवल मिश्रा काफी वरिष्ठ पार्षद है अंजलि, आपको बता दें, और इसके साथ साथ केवल मिश्रा एमआईसी सदस्य भी रहे हैं और इसी के कारण वो टिकट की मांग भी कर रहे हैं अंजलि। बिल्कुल शब्बीर, लेकिन एक पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है तो कि कैसे अब इन कार्यकर्ताओं को समझाएंगे जो कि नाराज चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।